पिछले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 49 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। फाल्कन 9 के विभिन्न प्रकार के रॉकेट आमतौर पर स्पेसएक्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से 210 किलोमीटर की दूरी तक स्थापित कर जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य था। इन कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च करने का एक प्रमुख लक्ष्य यह देखना था कि यह आगामी सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कितना प्रभावित कर सकता है। कहा जा रहा है उन्होंने अपना काम सफलतापूर्वक किया है, क्योंकि सफल प्रक्षेपण के बाद 49 उपग्रह सही जगह पहुंच गए और काम करने लगे। लेकिन अगले ही दिन वह एक सौर तूफान की चपेट में आ गया। 40 उपग्रह सूर्य के बल से दूर दूर तक परिक्रमाओं और बिखरे हुए थे। स्पेसएक्स के विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में पहले की तुलना में कम से कम 50 गुना अधिक ऊर्जा से टकराया है, और इसीलिए इतने सारे उपग्रहों का ये चरण। जानकारों का कहना है कि तूफान जीरो क्लास का है, यानी मध्यम थे। इस तूफान का स्रोत सूर्य की M1 परत से निकलने वाली ज्वाला है। इस सौर तूफान में अंतरिक्ष में सभी छोटी वस्तुओं कचरे को अंतरिक्ष में फेंकने की शक्ति है। कहा जाता है कि इस सौर तूफान का प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में काफी वृद्धि होना था। यह 4 घंटे तक चला। GPS डेटा के मुताबिक तूफान पृथ्वी की निचली कक्षा को प्रभावित कर रहा है। SpaceX की स्टारलिंक टीम 49 उपग्रहों का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिकों की टीम ने कहा कि कक्षा में उनके स्थान के कारण वे सौर चमक के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सके। हालांकि वैज्ञानिकों को यकीन है कि सौर तूफान ने अंत में पृथ्वी के GPS सिस्टम को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अगर आप स्पेस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें।